भैया जा रहे हैं मनोज भैया से मिलने के लिए, मनोज दे से, तो वे झारखंड से बिलोंग करते हैं जो कि धनबाद से हैं। तो अभी हम लोग देख सकते हो गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे हैं और हमारे साथ तीन लोग जा रहे हैं, दो लोग वहाँ पे फ़ोटो शूट करें, अमित और सनी, और यहाँ पे हम हैं। अभी नाइट में हम लोग यहाँ पे रुके हैं, हम लोग ऐसे यहाँ से ट्रेन है लगभग सुबह 7:20 पर, तो हम लोग ऐसे चौक गए थे 1:00 पर, तो हम रात भर यहीं पर हम लोग रहेंगे। इसके बाद सुबह में यहाँ से हम लोग निकलेंगे, तो हर एक चीज़ हम क्लियर करते जाएंगे, कैसे कैसे हम लोग गए थे, कितना प्रॉब्लम होता है, जो भी चीज़ें हैं कई वीडियो में हम बताएंगे। तो इस वीडियो को मैं चाहूँगा शुरू से एंड तक देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलो आगे मिलते हैं। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, देख सकते हो फिलहाल हम लोग सुबह में यहाँ पर फोटो शूट कर रहे हैं और अभी हम लोगों को ट्रेन 7:20 पर है, 6:00 हो रहा है। जैसे चलिए हम चल के मिलते हैं, देख सकते हो स्टेशन का कुछ ऐसा नज़ारा है। सो गाइस फाइनली देख सकते हो हम लोग ट्रेन में आ चुके हैं और यहाँ पे अमित बैठा है और यहाँ पे अमित के पीछे जस्ट वहाँ पे सनी बैठा है। देख सकते हो फिलहाल हम लोग धनबाद रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हो ऐसा कुछ नज़ारा है, ऐसे हम लोग 2:20 पर करीबन यहाँ पे उतर गए थे। अब सुबह में ऐसे हम लोग निकलेंगे, तो वेट करते हैं और उसके बाद आपसे सुबह मिलते हैं, उसके बाद उनके घर चलेंगे, उनसे मिलाएंगे, तो थोड़ा वेट कीजिए, चलिए बाद में मिलते हैं। फिर गुड मॉर्निंग गाइस, देख सकते हो अभी सनसेट हो गया है, हम लोग अभी सुबह यहाँ पे हैं ऊपर की तरफ और हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे इसलिए, तो चलिए चल के फिर मिलते हैं। लोकेशन कुछ ऐसा है, देख सकते हो फोटो शूट हो रहा है बाबू सबका। हाय गाइस, देख सकते हो फाइनली हम लोग रेलवे स्टेशन से आके टेम्पो पकड़ लिए झारिया के लिए, तो अभी हम लोग टेम्पो में हैं और चलिए आगे चल के आपसे मिलते हैं। कौन सा चढ़ा भैया? चार नंबर मोड़ है यहाँ से, भैया पूछ रहे हैं रास्ता में, बता रहे हैं कैसे कैसे जाना है, ठीक है। इधर से भैया सीधा जाइएगा, ठीक है, 100 फीट होगा, ज़्यादा नहीं है ना, वो राइट ले लीजिएगा, राइट लेने का मतलब आपको बहुत थोड़ा ऊपर हो जाएगा, इसी से जाना है, वहाँ पर जाकर जाना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, भाई। फाइनली देख सकते हो मनोज भैया घर के जस्ट हम लोग सामने हैं, देख सकते हो ये मनोज भैया के हेरियर है, अभी घाम में लगाए हैं और देख सकते हो गोलू है और मनोज भैया गए हैं दिल्ली, तो देखते हैं अगर आ जाते हैं तो मिल लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग निकल जाएंगे, काहे कि देखते हैं कब आते हैं। आइए गोलू से मिला जाए, तो बताइए चैनल के लिए कुछ कहिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, बहुत प्यारा बच्चा है। ठीक है, मनोज का चाचा है, तो इतना तो सर बस थोड़ा सा दो शब्द बता दीजिए मनोज भैया के बारे में। मनोज भैया के बारे में देखिए, हम वीडियो मत बनाइएगा, मैंने कुछ पूछना चाहते थे, हम बता दें, मेरा वीडियो मत बनाइए। तो हम लोग यूट्यूबर हैं ना, बना देते नहीं, मेरा बेटा के साथ आप बना लिए, उसके लिए हम कुछ नहीं, हम कुछ पूछेंगे नहीं, बस दो शब्द पूछ लेंगे, भैया कहाँ गए आप बता दीजिए, तो यह हो जाएगा कि हाँ लोग जान जाएंगे। देखिए हम लोग को जो है ना, मेरा भतीजा है ना, इसको हमको खुद शर्म लगता है, भतीजा लड़का में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए अगर मेरा भतीजा नहीं रहता, भाई रहता तो हम कुछ बोल सकते थे, लेकिन मेरा अपना भतीजा बेटा का बराबर है तो हम कैसे कर सकते, इसीलिए हम उसके नहीं है, भैया सही है, लेकिन हम ये पूछते रहते ना, बस अब बोल दीजिएगा मनोज है नहीं, ये लोहा से बाबू मिलने के लिए थोड़ा बोल सकते हैं ना, तो आप वहाँ गोलू को पूछिए, नहीं पूछे नहीं गोलू को, जो भी मिलने आता है सब गोलू का साथ ही वीडियो ज्यादा बनाता है, ठीक है ना।
अभी आप लोग जब उसका इंस्टाग्राम छोड़ देता है कि हम नहीं रहेंगे, नहीं तो अभी 15 लड़का यहाँ बैठा हुआ रहता है और एक से एक आदमी आता है मिलने, देखिएगा तो बोलिए है आप लोग। अभी जो है वीडियो भी थोड़ा इधर उधर उसका आप भी थोड़ा बना लीजिए कि घर में होगी। नहीं है ये भी तो नहीं है, ये तो प्रॉब्लम है, इनकी मम्मी आई थी बोले थे कि ये भी कहीं नहीं है, हमको लगा कि ये होंगे भी तो शायद लेडी है तो नहीं मिलना चाह रहा है, इसका बारे में हम नहीं बता सकते। सही बात है, चला जाए वीडियो बनाए ना। हाँ जी भैया फाइनली देख सकते हो हम लोग होटल पे हैं। एक्चुअली वहाँ पे हम बोले थे एक दो दिन के लिए, इधर हम लोग काम है तो काम करके फिर हम लोग वहाँ पे गए थे मिलने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं आए थे। उनके चाचा जी भेंट हुआ तो बोल रहे थे कि अभी नहीं आए हैं और दो तीन दिन अभी और लगेगा, इसकी वजह से हम लोग दो दिन होटल पे रुके, उसके बाद फिर से गए दोबारा मिलने के लिए, फिर भी भेंट नहीं हुआ। बट अब हम लोग जाएंगे यहाँ से घर पे। भाई यार मनोज देव अच्छा नहीं है उसका, ऐसे हम लोग गए थे तो बोला, उनका मम्मी बोल रही थी वो नहीं है और फाटक बंद कर दी यार, बहुत बुरा लगा यार। हम लोग इतना दूर से चल के आए थे यूपी से और हम फिर से हम लोग होटल बुक किए हैं और यहीं से चलेंगे, मनोज भाई से मुलाकात नहीं हुआ है तो भाई बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। इसलिए मान लीजिए इतना दूर आए यार, इतना पैसा खर्चा कर कर, और हम लोग यहीं से चलेंगे अपने घर। तो दोस्तों ऐसे अगर आप किसी उम्मीद से आते हो कि भैया से मिल जाएंगे और या मतलब कोई भी चीज़ ऐसी, तो वे चीज़ें नहीं होने वाली हैं, क्योंकि आप उस उम्मीद से आते हो तो उम्मीद शायद नहीं आपका पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है। और हम जितने भी क्रिएटर्स मिले हुए कम से कम बात तो सही से किए हैं, लेकिन यहाँ पे बात भी आपसे सही से उतना नहीं किया जाएगा, बस नॉर्मली जैसे गाँव के लोग से बिहेव किया जाता है वैसे ही आपसे भी किया जाएगा। यह चीज़ तो बुरी लगती है, बट कोई ना, अच्छे लेवल पे लोग चले जाते हैं तो थोड़ा वही चीज़ को इग्नोर करते हैं छोटे लोगों को, बट कोई नहीं, आज नहीं तो कल हम लोग भी होंगे उस लेवल पे, बट देखना हमारे में क्या चेंजिंग आता है। मैं तो कभी भी सोचता हूँ सब्सक्राइबर एक भगवान की जैसे होते हैं, सब्सक्राइबर है तभी हम हैं, ना सब्सक्राइबर है तो हम लोग कुछ भी नहीं है। आज उनके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर एक्टिव ना है, देखे ना उन्हें, तो उनका कोई वैल्यू नहीं है, सब कुछ मैटर करता है सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर सब बढ़िया से बिहेव नहीं करते हो तो एक गलत चीज़ है, बट कोई नहीं, मेरा ओपिनियन आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, बट कोई आप आते हो उम्मीद से तो मैं यही कहूँगा आप किसी भी उम्मीद से मत आओ। एक चीज़ और है, आपके थोड़े अच्छे खासे लेवल पे सब्सक्राइबर हो और मतलब आपसे उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट मतलब हो, जैसे नंबर वंबर से बात उठ करके फिर आओ, या कभी भी उनसे मतलब कॉन्टेक्ट करके आओगे तब सही रहेगा, बट ऐसे तत्काल में आओगे तो मतलब शायद मिल भी नहीं पाएंगे और आपसे बिहेवियर भी वेरियस नहीं कर पाएंगे, और आपको उनसे डायरेक्टली बात हुआ रहेगा तो फिर आप बढ़िया से मिल भी पाओगे, और भाई जब बात हुआ रहेगा तो समय तो देवे करेगा कोई, तो यही चीज़ें हैं। तो चलो कोई ना, बट हमारे लिए काफ़ी सैड मोमेंट रहा इन बंदे से मिलने के लिए, और सबसे मिले हम काफ़ी अच्छे से मिले, सो कोई कुछ नहीं कर सकता, जो हुआ बढ़िया हुआ। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अभी भी मतलब इतना मेहनत करने के बाद भी अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हो नो डाउट, बट अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना, कमेंट में अपना राय देना क्या आप कभी मिलने आना चाहते हो मनोज भैया से कि नहीं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, इतना मेहनत करने के बाद नहीं करोगे तो कब करोगे। चलो कोई ना, जय हिंद जय भारत।